नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ कच्चे आम के चावल। कच्चे आम के चावल बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। कच्चे आम 2 से 3, उबला चावल 1 कटोरा, कटी हरी मिर्च 3 से 4 या स्वाद अनुसार, कटा अदरक 1 चम्मच, भुनी मूंगफली 50 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार, साबुत धनिया 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, सौंफ 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई या सरसों 1/2 चम्मच, कटा हरा धनिया 1 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, करी पत्ता 7 से 8, तड़के के लिए तेल 4 से 5 चम्मच, लौंग 2 से 3। सबसे पहले चावलों को साफ करके धो लेंगे और लौंग व इलायची और पानी डालकर पका लेंगे और आम को धोकर छीलकर कद्दूकस कर लेंगे। अब गैस जलाएंगे और कढ़ाई में मूंगफली डालकर 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। मूंगफलियां बाजार में भुनी भुनाई मिल जाती हैं। अब मूंगफलियों को एक प्लेट में निकालेंगे। कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे। अब इसमें सरसों, जीरा, लौंग, साबुत धनिया, सौंफ, हरी मिर्च, अदरक, हींग, करी पत्ता डालकर 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ आम डालेंगे। आप चाहे तो इस पीस कर भी आम को डाल सकते हैं। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार डालकर 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे। यदि आवश्यकता हो तो 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब उबला चावल को डालेंगे और लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मूंगफली डालेंगे और 1 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे और 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। अब हरा धनिया डालेंगे और सामग्री को चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और कच्चे आम के चावलों को 1 कटोरे में निकालेंगे और दबा देंगे। अब ऊपर से प्लेट रखकर कटोरी को पलट देंगे और पुदीने से सजाकर गर्मा गर्म परोसेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।